धन वही जो किया मन भावे। ये 22 प्रश्न का जवाब मैं एक नहीं कई बार दे चुका हूँ। चेहरा मेरा खराब है? नहीं, ये मुख्यमंत्री का चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद जीत के बाद तय होगा। भाजपा कांग्रेस की खींचतान से भी ज्यादा अगर उत्तराखंड की राजनीति में कुछ दिलचस्प है तो वो है खिचड़ी। कांग्रेस में पक रही खिचड़ी। डे वन से कांग्रेस सीएम चेहरे के सवाल पर एक ही जवाब देता आया कि सिंपल है, सामूहिक नेतृत्व का फॉर्मूला ही पार्टी अपनाएगी। लेकिन ये फंडा इतना सिंपल नहीं है जितना कांग्रेस के शीर्ष नेता इसे बता रहे हैं। वजह है दल के दो गुटों के वो तीन चेहरे जो सीएम रेस का हिस्सा हैं और इसलिए अब आमने सामने आ गए हैं। एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने आलाकमान को खुली चेतावनी जारी कर दी थी कि या तो वो सीएम बनकर काम करेंगे नहीं तो घर बैठेंगे। लेकिन ये बहुत साफ सी बात है कि हरीश रावत या तो मुख्यमंत्री हो सकता है या फिर घर बैठ सकता है, दोनों के अलावा कोई तीसरा विकल्प मेरे पास रहे नहीं। हरदा का ये कहना भर था कि कांग्रेस में भूचाल मच गया। अलग अलग प्रतिक्रिया कार्यकर्ताओं की सामने आई। किसी का समर्थन मिला, किसी ने शीर्ष नेतृत्व के फैसले का इंतजार करने की बात कही। नतीजा ये हुआ कि हरीश रावत के सुर बदल गए। यदि करना है मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो जो है घर बैठ करके जो मदद हो सकेगी मुख्यमंत्री बनूंगा तो प्रदेश का काम करूंगा। कोई तीसरा रोल, कोई तीसरा विकल्प किसी को दिखाई दे रहा है कि भाई हरीश रावत जी आप इस विकल्प पर काम करो तो मैं उसको भी अपनाने को तैयार हूँ। ये पहली बार नहीं था, कई बार ऐसा हो चुका है कि अपने सीएम बनने की पैरवी करते करते हरीश रावत पार्टी के ही विरोध तले अपने बयान बदलते दिखे हैं। विरोध करने वाला सबसे बड़ा चेहरा जाहिर तौर पर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह है। यही है दल के दूसरे गुट के मुख्य और हरीश रावत के साथ सीएम रेस में दौड़ रहे दूसरा चेहरा। कहा जाता है कि कुटबाजी की वजह से ही पार्टी आलाकमान राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की स्थिति में कभी नहीं आ पाई। हरीश रावत बनाम प्रीतम सिंह का गुट एक दूसरे का धुर विरोधी है। हरदा से कुर्सी का मुकाबला करने इसलिए मैदान में प्रीतम सिंह है। हालांकि प्रीतम सिंह ने कभी खुलकर खुद के सीएम बनने की पैरवी नहीं की, लेकिन ये भी नकारा नहीं जा सकता कि वो कभी हरीश रावत को सीएम बनाए जाने पर भी राजी नहीं दिखे। जब भी उनसे पूछा गया उन्होंने एक ही बात कही कि हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है, हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। बहुमत मिलने के बाद सीएम चुनने की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, विधानमंडल दल के जरिए उसका पालन करते हैं। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व ने सुस्पष्ट शब्दों में कहा है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यानी सतह पर तो वोट हरीश रावत के नाम पर प्रदेश में मांगे गए, लेकिन उनके साथ ही नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह कैंप भी उन्हें लगातार भावी सीएम के रूप में प्रचारित करता आ रहा है। इन सब के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल को भी छिपा रुस्तम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि गणेश कोदियाल हरदा के गुट का हिस्सा है, लेकिन इस दफा उनका नाम भी तीसरे सीएम चेहरे के रूप में उभरता दिख रहा है। आज से कुछ महीनों पहले गणेश कोदियाल ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हरीश रावत का चेहरा पूरे प्रदेश में सर्वमान्य है, वही सबसे बड़े नेता है, सब लोग उनको पसंद करते हैं, कांग्रेस पार्टी उनके चेहरे के साथ ही चुनाव में जाएगी। लगभग हर जगह पर कोदियाल हरदा का समर्थन करते दिखे हैं, ये लाजमी भी है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि गणेश कोदियाल को कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने में भी हरदा की अहम भूमिका थी, लेकिन गोदियाल पूर्व सीएम के खास होने के अलावा उत्तराखंड का बड़ा राजनीतिक चेहरा भी है। वो जाने माने नेता है और उम्र और अनुभव दोनों में सीएम बनने के लिए सही कैंडिडेट। उनकी सक्रियता इन चुनावों में भी प्रत्यक्ष दिखी है। ऐसे में हालांकि दूसरे सीएम कैंडिडेट के पसंदीदा ही, लेकिन वो भी रेस में है। अगर गोदियाल के इस पर राय सुनी जाए तो उन्होंने भी फैसला उस हाईकमान पर ही छोड़ा है जो अब तक सामूहिक नेतृत्व पर ही अटकी हुई है। हालांकि अब तक चल जाता था, लेकिन अब स्थिति पेचीदा है क्योंकि 10 मार्च यानी वो तारीख जब विधानसभा चुनावों में जीतने वाली पार्टी के नाम पर मोहर लगनी है वो बेहद करीब है। मुश्किल से 9 दिन बचे हैं और आंकलन का ही अनुमान, लेकिन
भाजपा कांग्रेस में टक्कर काटे की है। संभवतः कांग्रेस इस बार सत्ता पलटने में कामयाब भी रहे, लेकिन बावजूद इसके पार्टी के मुख्यमंत्री पद पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस सब में देखना यह है अपने सीएम चेहरे के सस्पेंस से पार्टी का पर्दा उठाती है और नाम पर मोहर लगने के बाद कौन से समीकरण कांग्रेस के भीतर करवट लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।